हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी रसोई। और आज मैं आपके साथ अरेबिक पुडिंग की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि एक डेजर्ट की रेसिपी है। और इसको आप इंस्टेंट कभी भी बना करके आप इसे खा सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ ये डेजर्ट हमारा 5 मिनट में बन करके रेडी हो जाएगा और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है ये। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको बनाना और देखते हैं कैसे बनती है ये हमारी पुडिंग की रेसिपी। इस अरेबिक पुडिंग को बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया था, उसी पैन में ही मैंने इसमें 250 ml मैंने इसमें दूध डाल दिया है। दूध को रख दिया गैस के हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए। जब दूध हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, बॉईल होने लगेगा, उसके बाद फिर हम इसको बराबर बीच में थोड़ा थोड़ा हम इसको चलाते भी रहेंगे ताकि हमारे इस पैन के नीचे तली में ये लगे ना। ये इस तरीके से चलाते रहेंगे। जब दूध हमारा एकदम अच्छे तरीके से बॉईल होने लगेगा उसके बाद हम एक कटोरी लेंगे, उसी कटोरी में हम थोड़ा सा दूध निकाल करके हम अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने आधी कटोरी जितना दूध मैंने निकाल करके एक अलग कटोरी में रख लिया है। गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे, उसको लो फ्लेम पर हम दूध को बॉईल होने देंगे। उसके बाद उसी गर्म दूध में ही मैंने एक बड़ा चम्मच इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर डाल दिया। फ्लेवर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो। उस कस्टर्ड पाउडर को उस गर्म दूध में डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और उसको एक साइड में रख देंगे। तब तक ये देखिए हमारा दूध एकदम अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है। और इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच इसमें मैंने चीनी डाल दिया। चीनी को अच्छे तरीके से हम दूध के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी हमारा दूध के साथ अच्छे तरीके से एकदम घुल जाए। जब तक हमारा चीनी अच्छे तरीके से घुल नहीं जाएगा तब तक हम इसको इस तरीके से बराबर चलाते रहेंगे। और जो भी साइड में इस पैन के जो भी दूध का मलाई लगेगा उसको भी हम निकाल करके दूध के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो जब हमारा चीनी दूध के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा उसके बाद फिर जो हमने कस्टर्ड पाउडर हमने दूध के साथ मिला के रखा था वो पूरा कस्टर्ड पाउडर दूध हम इसमें डाल देंगे। गैस के फ्लेम को हम लो कर लेंगे, लो फ्लेम पर हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। और चलाने के बाद इसको हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसको पतला भी नहीं करेंगे। एक पैन में हम इसको इस तरीके से लगा करके देख लेंगे। तो जब इस तरीके से हमारा जब कस्टर्ड हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद फिर हम अपने गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए ना, बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ये पतला भी नहीं है। तो इस क्योंकि जब थोड़ा ठंडा होगा तो थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसको एक साइड में रख देंगे हम ठंडा होने के लिए। 10 से 15 मिनट में ये ठंडा हमारा होकर के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट बाद देखिए ये जो कस्टर्ड वाला दूध था हमारा वो थोड़ा सा देखिए और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है। और ये हमारा इस तरीके से कस्टर्ड बन करके रेडी हो गया। इसको हम एक साइड में रख देंगे। उसके बाद फिर मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच इसमें मैंने फ्रेश इसमें दूध की निकली हुई मलाई ली है, जो कि आपको घर में बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने कंडेंस मिल्क डाल दिया है। मैं इसमें नेस्ले के कंडेंस मिल्क का इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें कंडेंस मिल्क डाल दिया और इन दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से अब हम मिक्स करेंगे ताकि ये हमारी जो मलाई है और ये कंडेंस मिल्क एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और मलाई का जो थोड़ा बहुत इसमें जो मलाई होगा उसको हम थोड़ा बहुत ऐसे ही छोड़ देंगे, जो इस मलाई का जब खाते समय हल्का सा मलाई का जो बाइट आएगा वो भी बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगेगा। इस तरीके से थोड़ा बहुत मलाई को मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद फिर मैंने 4 से 5 ब्रेड लिया था जिसके मैंने साइड के एजेस को काट करके अलग करके रख दिया था। उसके बाद अब हम इसको अब ये पुडिंग बनाने के लिए सारी प्रिपरेशन हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसकी पुडिंग बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक इस तरीके का बर्तन लिया था कांच का, आप कोई से भी बर्तन का आप इसको बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग करने के लिए जो मैंने ब्रेड को कट करके रखा है वो ब्रेड हम सबसे पहले नीचे लगा लेंगे। उसके बाद फिर जो हमने कस्टर्ड वाला जो दूध बना करके रखा था वो पहले हम कस्टर्ड वाला दूध इसके ऊपर से अच्छे तरीके से हम स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद फिर जो हमने मलाई और कंडेंस मिल्क जो हमने बना करके एक साथ रखा था मिक्स करके, उस मलाई को भी हम इस तरीके से चारों तरफ से अच्छे तरीके से हम फैला करके हम डाल देंगे। उसके बाद इसके ऊपर से कुछ बारीक कटे हुए हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जैसे कि मैंने बारीक कटे हुए बादाम, बारीक कटे हुए पिस्ता। और अगर आपको और भी कोई ड्राई फ्रूट खाना पसंद होगा तो आप इसमें और भी कुछ ड्राई फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग। इस तरीके से हम एक लेयरिंग कर लेंगे। इसी के तरीके से हम बाकी के भी हम लेयरिंग हम कर लेंगे। सबसे पहले मैंने ब्रेड लगा लिया था, उसके ऊपर मैंने इसमें कस्टर्ड वाले दूध डाल देंगे चारों तरफ से अच्छे तरीके से फैला करके। और इसके ऊपर से हम इसमें जो मलाई बना करके रखा था कंडेंस मिल्क के साथ वो हम मलाई को इस तरीके से चारों तरफ हम ऐसे फैला करके डाल देंगे।
और इसके ऊपर से फिर जो मैंने कुछ बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट हैं इसके ऊपर से हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई सा भी डाल सकते हैं, जो भी आपको ड्राई फ्रूट खाना पसंद होगा, या फिर अगर आपको कुछ ड्राई फ्रूट खाना नहीं पसंद होगा तो आप ड्राई फ्रूट डालना स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से ड्राई फ्रूट से हम इसको अच्छे तरीके से डाल देंगे, डेकोरेट कर देंगे, जो कि देखने में और भी ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है। और इसके ऊपर से थोड़ा सा हम इलायची का पाउडर डाल देंगे। और पाउडर डालने के बाद ये हमारा अरेबिक पुडिंग बन करके रेडी हो गया है। जब इस तरीके से हम सारी लेयरिंग को हम कम्प्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब एकदम अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको एकदम ठंडा सर्व करेंगे खाने के लिए, जो कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में, इसका और भी टेस्ट इसका बढ़ जाएगा। तो इसको हम अच्छे तरीके से बंद कर देंगे और हम इसको एक फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अगर आप इसको रात में बना रहे हैं तो आप इसको पूरी रात के लिए आप इसको फ्रिज में डाल करके छोड़ दीजिएगा। जितना ज़्यादा ठंडा रहेगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। तो मैंने इसको पूरी रात के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। तो ये हमारा पूरी रात ठंडा होने के बाद एकदम टेस्टी से बनने वाला ये हमारा अरेबिक पुडिंग बन करके रेडी हो गया, जो कि देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा और खाने में भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। और इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ 5 से 6 मिनट में हमारी अरेबिक पुडिंग बन करके रेडी हो जाती है। और ये देखिए, जिसकी हमने लेयरिंग की थी पूरे ब्रेड के पूरा नीचे तक ही हमारा जो लेयरिंग था वो कितना अच्छे तरीके से एकदम बन करके रेडी हो गया, और एकदम क्रीमी फॉर्म में हमारा ये अरेबिक पुडिंग बन करके रेडी हो गया है। मार्केट के मिठाई से कई ज़्यादा गुना ये हमारा टेस्टी पुडिंग बन करके रेडी हुआ है। आपके घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाए या फिर अगर आपको कभी कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसे झटपट अपने घर में बना करके आप खा सकते हैं। आपके मेहमानों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली ये पुडिंग की रेसिपी है। तो फिर बिना देरी किए हुए आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड थैंक फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।